आपने कभी ना कभी किसी को ये बोलते हुए जरूर सुना होगा, यार मैं अभी से बूढ़ा लगने लगा हूँ, मेरे बाल गिर रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, मेरे फेस पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, चेहरे की चमक अभी से गायब हो गई, मैं अभी से हमेशा थका हुआ फील करता हूँ, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। ये सब सुनने के बाद आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप बहुत सही जगह पे हो। हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमें आपके प्यार एंड सपोर्ट की जरूरत है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम आपसे हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज प्रीमैच्योर एजिंग, यानी कि समय से पहले बुढ़ापा। बुढ़ापा तो नेचुरल है, लेकिन जब ये समय से पहले यानी कि 30 से 35 के एज से पहले बुढ़ापा को प्रीमैच्योर एजिंग कहते हैं। ये हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। इसका कारण स्मोकिंग, अल्कोहल, प्रॉपर नींद ना लेना, स्ट्रेस, पॉल्यूशन एंड कुछ में जेनेटिक्स भी प्रीमैच्योर एजिंग कॉज करता है। अगर आपका हेयर कम उम्र में झड़ने लगे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, फेस पर झुर्रिया आना एंड जल्दी थकावट आती है, तो ये प्रीमैच्योर एजिंग के लक्षण है। अगर आपके जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है तो आप उससे नहीं बच सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने खाने से जंक फूड, फास्ट फूड को कम करके घर का फ्रेश खाना खाएं, डेली एक्सरसाइज, योगा करके भी प्रीमैच्योर एजिंग को 30-40% कम किया जा सकता है। ज्यादा स्ट्रेस एंड डिप्रेशन से बचें और खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं।